और संभल में कांवड़ यात्रा को शासन के निर्देश पर इंतजाम पूरे करने में जिला प्रशासन जुट गई है और रास्ते ठीक किए जा रहे हैं, सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, शिविर लगाकर उनमें प्राथमिकता इलाज और एंटी स्कैन वैराम जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सावन माह में प्रत्येक सप्ताह राजघाट, गंगा तट और चौपाल लगेगी और डीएम ने राजघाट में गंगा चौपाल के रास्ते लाइट, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वही परिसर में सफाई को लेकर नाराजगी जताई और गंगा आरती में डीएम शामिल हुए। कांवड़ यात्रा पर शासन के निर्देश के अनुसार उन्होंने सभी व्यवस्थाएं पूरी कराने का दावा किया। सर, कांवड़ यात्रा से पहले गंगा पर एक चौपाल हुई है, डेली चौपाल का आदेश क्या है सर, क्या तैयारियां हैं? कांवड़ यात्रा पर शासन के निर्देशानुसार सभी जो मुख्य मार्ग है कांवड़ यात्रा के, उनकी सफाई की जा रही है, उनकी मरम्मत की जा रही है। चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, जिला पंचायत के यहाँ से होता है, मंडी सचिव के यहाँ से, आरईडी के यहाँ से, दो विभाग सड़क बनाता है। तीसरा, सभी जगह पे जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी लगाए जा रहे हैं। जो खंभे हैं उनके ऊपर पन्नी लपेटी जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई करंट नहीं आए। जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए शिविर भी बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे जो एंटी स्नेक वेनम होती है उसकी सुविधा और जो प्राइमरी एड होता है उसकी सुविधा दी जा रही है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने, क्योंकि राजघाट के ऊपर हमारे बहुत सारे कांवड़िए आते हैं और वहां से जो जल है वो भी लेते हैं, तो राजघाट के ऊपर हमने गंगा चौपाल शुरू की है।